हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीमेंट का वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं उसके बैक को देख के। ये मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर आप सपोज आप अपना घर बनाने वाले हो और आप सीमेंट खरीदोगे जरूर, तो जगह अगर आप शॉप पे जाओगे सीमेंट खरीदने के लिए, तो दुकान वाला क्या करेगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो आपको पुराना सीमेंट, मतलब अपने पिछले स्टॉक का, पुराने स्टॉक का सीमेंट दे देगा, और जो कि सही नहीं है आपके घर के लिए। अगर सीमेंट समय के साथ जैसे जैसे देर होता जाता है, सीमेंट का वैलिडिटी खत्म होता जाता है, जिसे हम स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर सकते बनाते वक्त, तो कौन सा सीमेंट कितना पुराना होने से कितना परसेंटेज उसका स्ट्रेंथ लॉस करेगा, कौन सा काम का नहीं है, ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको सीमेंट का बैग दिखा के बता दूँ कि क्या क्या चीज़ आपको देखना है उस पर। सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है ये ISI मार्क। ये अगर आप PPC बेस्ड सीमेंट खरीद रहे हो, मतलब पोर्टलैंड पजुलोना सीमेंट बेस्ड खरीद रहे हो, तो ये देखना ISMI ऑलवेज रेड कलर में रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस सीमेंट को बनाने के लिए कौन सा IS कोड को फॉलो किया गया है, वो दिया हुआ है IS 1489 Part 1, ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, ये ISI मार्क होना चाहिए, रेड कलर में होना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए, ये मैन्युफैक्चरर का नेम है बिरला गोल्ड, ठीक है, अल्ट्राटेक जो भी रहेगा, जैसे JP हो गया, JK हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरर का नेम है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये PPC बेस्ड सीमेंट है, मतलब पोर्टलैंड पजुलोना सीमेंट बेस्ड है, मतलब फ्लाई ऐश बेस्ड। फ्लाई ऐश क्या है, जो हमें थर्मल पावर प्लांट से वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसका वेट देख लीजिए 50 kg। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग, तो ये जिस दिन पैक किया गया है उससे ये 3 महीने तक आप यूज कर सकते हो। हाँ, 3 महीने तक यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्ट्रेंथ लॉस नहीं हो रहा है उस 3 महीने में, लेकिन जो होता है वो चल जाएगा, उतना मान लेते हैं हम लोग करेंगे ये, लेकिन कितना परसेंटेज लॉस हुआ कितना नहीं हुआ ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेट, वीक, मंथ, ईयर, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश, ये सारा चीज सीमेंट पे लिखा रहता है, बट कहाँ पे लिखा रहता है ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे सीमेंट का जब आप साइड पार्ट देखेंगे, लेफ्ट या राइट में अगर आप साइड पे देखोगे तो देखना वहां पे लिखा रहेगा डेट, वीक, मंथ, और ये FA परसेंटेज है। FA परसेंटेज मतलब क्या है, फ्लाई ऐश परसेंटेज, मतलब इस सीमेंट को बनाने में हम लोग फ्लाई ऐश कितना यूज किए हैं वो कितना है, ये सब लिखा रहता है, तो वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप देख लो, ये हमारा डेट हो गया, डेट इसको कब बनाया गया है, यहाँ पे देखिए ये बहुत थोड़ा कम इंक पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने मार्कर से इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। 10 तारीख को बनाया है, 10 तारीख को कौन से महीने में, देखिए मंथ यहाँ पे कहा है एकदम लास्ट में है, मतलब एकदम लास्ट वाला देखो 11th मंथ, मतलब हमारा जो अभी चल रहा है नवंबर, मतलब ये इसी मंथ में बना हुआ एकदम फ्रेश कॉन्क्रीट है। उसके बाद हम लोग वीक चेक करते हैं, बीच में हमारा वीक दिया हुआ है, तो मिडिल में देखिए यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, 45 मतलब अगर आप देखोगे तो 45 आपका नवंबर के एकदम एंड वाले पार्ट में आता है, नवंबर का एंड मंथ जो है, एंड वीक जो है वो एंड वीक 45th वीक होता है। तो अभी हमारा ये एंड वीक ही चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सीमेंट जो पैक हुआ है एकदम लेटेस्ट हुआ है, एकदम फ्रेश है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर करके देखोगे यहाँ पे 19 है, 19 लिखा हुआ है, 19 का मतलब क्या है, ये हमारा है ईयर, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है कि लास्ट में हमारा जो है वो ईयर है, तो ये 2019 हमारा चल रहा है तो उसका ये ईयर मेंशन है। तो यही चीज आपको देखना है कि कब बना है, अगर आपको पता चल जाएगी कब बना है सीमेंट, तब से आपको कब तक वो सीमेंट यूज करना है वो मैं आपको क्या करता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे ले जाके बताता हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये 450 जो लिखा है ये प्राइस है सीमेंट का, ये देखिए यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, 32 का मतलब क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है FA परसेंटेज, मतलब फ्लाई ऐश परसेंटेज, इसमें कितना परसेंट यूज किया गया है, 32%। इस सीमेंट को बनाने में लाइमस्टोन के साथ साथ जो पजलोनिक मटेरियल होता है, मतलब फ्लाई ऐश, वो कितना परसेंटेज यूज हुआ है, वो 32% यूज हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये डेट चेक करना, और डेट से आपको अब मैं बताता हूँ कितने कितने दिनों बाद किस सीमेंट का कितना परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है वो कम जाता है, कब तक हम लोग किस सीमेंट को यूज कर पाते हैं वो जान लेते हैं। एक चीज मैं मिस कर गया, वो क्या था कि ये हुक, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है
यूज नो हुक। इसका मतलब क्या है, जब भी आप देखिएगा साइट पे जब सीमेंट अनलोडिंग होता है तो उन लोग हुक मार के इसको अनलोड करते हैं, जो कि सही प्रोसेस नहीं है। अगर आप हुक मारोगे तो वहां से मॉइस्चर उसके अंदर जाना चालू हो जाएगा, और मॉइस्चर अगर सीमेंट के अंदर चला गया इसका मतलब क्या है कि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चालू हो गया, वो जमना चालू हो जाएगा, उसके अंदर लम्प्स बनने चालू हो जाएंगे, जिससे अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर को बनाते हो तो वो उतना स्ट्रेंथ नहीं लेगा जितना उसे लेना चाहिए था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हुक ना मारे इसको अनलोडिंग करते वक्त, ठीक है। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर। तो आपने देखा अभी मैं डेट वीक मंथ ईयर जो मेरे साइड पे जो सीमेंट है उस सीमेंट पे जो डेट का जो तरीका है दिखाने का वो इस तरीके का है, डेट है, वीक है, मंथ है, ईयर है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे सीमेंट में ऐसा होता है आपको ईयर वीक और मंथ दिया रहेगा, ठीक है, ईयर वीक और मंथ। तो पहचानने का तरीका मैंने बताया आपको, ऐसे आप पहले डेट निकाल लो कि आपका सीमेंट बना कब है, उसके बाद आप वीक चेक कर लो। वीक आप मैं आपको बता दिया जनवरी में 1 2 3 4, फेब में आता है 5 6 7, इसी तरीके से मार्च में चला जाएगा 8 9 10 11, ठीक है, इस तरीके से फिर 4 आएगा। आपको चेक कर लेना है कि कौन से मंथ में वो सीमेंट बना है, राइट। अब आपको पता चल गया कि कब बना है, अब वहाँ से आपको चेक करना है कि उस सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना कितना है, ठीक है, वही मैं अब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सीमेंट का, अगर वो फ्रेश है तो ठीक है, अगर फ्रेश सीमेंट जो है 3 मंथ्स पुराना हो चुका है, या 6 मंथ पुराना हो चुका है, या 1 ईयर पुराना हो चुका है, या 2 ईयर पुराना हो चुका है, वो मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल लिखा है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ, मतलब अगर वो फ्रेश है तो कितना परसेंटेज है, 3 महीने अगर बीत गए तब उसका परसेंटेज कितना रहेगा, और यहाँ पे मैंने लिखा है तो अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है तो उसका रिड्यूस कितना हो जा रहा है। एक बात देखिए यहाँ पे, अगर आपका सीमेंट फ्रेश है मतलब जस्ट इसी वीक में बना है, एक वीक के अंदर आप यूज़ करते हो तो वो आपको फ्रेश बोला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेश अगर कंक्रीट है तो उससे अगर आप कुछ कास्ट करते हो या कुछ करते हो तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो पूरा 100% मिलने वाला है, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन, ये गेन है 100%। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड कितना परसेंट रिड्यूस होगा, कुछ भी नहीं, 0%, ठीक है। अगर वही सीमेंट आपका 3 महीना पुराना हो गया, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर में अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो स्ट्रेंथ है 70 to 80% मिलेगा आपको, ठीक है। 80% एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलता है, थोड़ा कमी होता है, तो कितना ये वेरी करता है 70 to 80% के बीच में। और कितना परसेंटेज आपका रिड्यूस हो गया फ्रेश के कंपैरिजन में, 20 to 30% रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखिए जब वो सीमेंट 6 महीने पुराना हो जाता है तब आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो 60 to 70% आपको मिलेगा उस सीमेंट से, अगर कुछ भी आप कास्ट करते हो तो। लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ कितना रिड्यूस हो जाएगा, 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगा। वही सीमेंट अगर आपका 1 साल पुराना है, 1 साल हो चुका, तो आपको 50 to 60% स्ट्रेंथ मिलेगा, और स्ट्रेंथ रिड्यूस कितना हो गया, 40 to 50%, है ना। और 2 साल हो जाने पे देख लीजिए 40 to 50% आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा 50 to 60%। तो ये एक है, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। इसके बाद तो इससे आप क्या समझ गए कि आपको ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है 3 मंथ्स वाला, इससे डिले हो जाएगा तो आपको सीमेंट यूज़ करना नहीं है। 3 महीना से अगर पुराना सीमेंट है तो उसको तो फेंक दो, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा सीमेंट को जल्द से जल्द काम में लगा दो, स्टैक करके रखने की ज़रूरत नहीं है जैसे ऐसे, क्योंकि इसलिए जब भी सीमेंट आप साइट पे मंगवाओ तो इतना ही मंगवाओ जितना काम का हो, ठीक है। ये नहीं कि इतना इतना बुला बुला के रख दिए और उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो वो तो वेस्ट है आपका, आपको स्ट्रेंथ भी नहीं देगा, पैसा तो आपका लग ही रहा है, तो पैसा दे के ही मंगवाना है तो क्यों पूरा एक बार में खरीद लेना, जितना ज़रूरत है उतना मंगवाओ, ठीक है। यूज़ करते जाओ फिर मंगाते जाओ ना फ्रेश फ्रेश कॉन्क्रीट, और डेट देखना मत भूलना, ठीक है। तो डेट का कितना इंपॉर्टेंस है आपका स्ट्रक्चर पे, ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थम जरूर मतलब लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नहीं लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।